मानसून सत्र में लगातार शोर शराबे के पीछे असली वजह सियासी स्कोर करना है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में लगे हैं, लेकिन इस झगड़े में असली नुकसान जनता का है। रोजाना जनता के खजाने के करोड़ों रुपए हंगामे के ऊपर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं है। सब अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। पहला दिन संसद ठप, दूसरा दिन संसद ठप, तीसरा दिन संसद ठप, चौथा दिन संसद ठप, पांचवां दिन संसद ठप। मॉनसून सत्र में मूसलाधार हंगामा हो रहा है, विवादों के बादल फट रहे हैं, तीखी टिप्पणियों की बिजलियां गिर रही हैं, संसदीय आचरण भी पानी पानी हो रहा है। दूसरा हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन संसद में शांति भंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। जासूसी कांड पर तनी तलवारों की म्यान में वापसी नहीं हो रही है। विपक्ष अड़ा है कि हंगामा खत्म नहीं होने देंगे, सरकार अड़ी है कि विपक्ष को सियासी स्कोर नहीं करने देंगे। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं। क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। संसद का आलम यह है कि इधर स्पीकर या सभापति सदन में आते हैं और उधर विपक्ष की मोर्चाबंदी शुरू हो जाती है। चंद मिनटों का हंगामा और फिर सदन की कार्यवाही का दी एंड। हाल ये है कि 7 दिनों के कार्य दिवस में लोकसभा सिर्फ 4 घंटे और राज्यसभा सिर्फ 8 घंटे 2 मिनट चली। लोकसभा में 48 घंटे हंगामा की भेंट चढ़े, राज्यसभा में 33 घंटे 8 मिनट स्वाहा हो गए। दोनों सदनों को मिलाकर सरकारी खजाने के 53 करोड़ 85 लाख रुपए बर्बाद हो गए। किसी को ये फिक्र नहीं कि संसद का काम बिल पास करना है, कानून बनाना है, लोकहित के मुद्दों पर मंथन करना है। किसी को चिंता नहीं कि संसद की कार्यवाही पर हर घंटे 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और कार्यवाही न होने का मतलब है करदाताओं के पैसे का पानी में बह जाना। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो सरकार को खुद जिम्मेदारी लेकर आगे आना चाहिए। जी हाँ, चर्चा होनी चाहिए। इस नुमाइंदगी को दरकिनार करते हुए माईवे और हाईवे वाली चीजें नहीं चलेंगी। कल आपके समक्ष हमने कहा था, कल ही, कि पार्लियामेंट के 2 फंक्शन है, चर्चा और विधेयक। हम विधेयक पर भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर आप पर्दाधारी नहीं कर सकते। और एक विस्तृत चर्चा हो किसी आईटी मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम यही तो चाहते हैं कि डिस्कशन करो। तो गवर्नमेंट कहती है कि डिस्कशन से भागना चाहते हो, डिसरप्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। इससे ज्यादा कोई असत्य बात हो नहीं सकती, इससे बड़ा झूठा आरोप विपक्ष पर नहीं लग सकता है जो लगाया जा रहा है। जरा सोचिए, जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जब कोरोना की चपेट में आई अर्थव्यवस्था लगातार डुबकियां लगा रही हैं, जब रोजी रोटी रोजगार के संकट से आम आदमी हाहाकार कर रहा है, तो संसद से चर्चा के शब्द नहीं, हंगामा और शोर उठ रहा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।